गेम दोस्तों, देख सकते हैं आज हम आंध्र प्रदेश रेणिगुंटा बस स्टैंड पे ट्रैवल करके आए हैं। और इस का कारण आपको बताओ, हम तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं। रेणिगुंटा इस नाम की एक फिल्म है, मेरी सबसे पसंदीदा फिल्म। और तिरुपति से निजे मध्य एक्सप्रेस अभी जा रही है। हमें हमारे गांव से या हमारे शूट करते घाट सुप्पा घाट से ये डिस्टेंस 1200-1300 किलोमीटर के आसपास है। पहली बार इतनी दूर आए, देखेंगे भगवान के दर्शन करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश उनमें से साक्षात विष्णु जी के अवतार है। ये बालाजी देवस्थान आंध्र प्रदेश का। और वैसे रेणिगुंटा स्टेशन पे अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, सुबह का टाइम है। हमारे यहाँ से अगर यहाँ महाराष्ट्र के पुणे से आते हैं या पे सुप्पा घाट से, तो महाराष्ट्र फिर कर्नाटका उसके बाद तेलंगाना क्रॉस करके यहाँ आंध्र प्रदेश में आए। और हमारे साथ हमारे गांव के 7 लोग और हैं, तो डरने की कोई बात नहीं। गाड़ी ने अभी फिर से प्रस्थान किया है। खूबसूरत रेणिगुंटा स्टेशन। और एक ट्रेन खड़ी है, ट्रेन के जो इंजन है सब पहले अमेरिका से आयात किए जाते थे, अब हम खुद अपने देश में इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं आगरा के, वो तो हिंदी समझते हैं, लेकिन उनकी जो उनके लोकल लैंग्वेज बोलते हैं वो बिल्कुल समझ में नहीं आती। और हम क्यों ये बोल रहे हैं, हिंदी में बोले और अपनी लोकल लैंग्वेज मदर टंग में बोले, उनको कुछ भी समझ नहीं आता। ऐसी बात है, मतलब महाराष्ट्र का आदमी गुजराती समझता है, हिंदी तो समझता ही है, लेकिन पंजाबी थोड़ा थोड़ी समझ जाता है, लेकिन ये आंध्रा की जो लैंग्वेज है ये बिल्कुल समझ नहीं। उसका उच्चारण ही ऐसा है
कुछ भी समझ नहीं आता हमको। और हम जो बोल रहे हैं हिंदी में, हम हिंदी बोल सकते, उसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते, तो वो हिंदी भी बिल्कुल समझते नहीं है, ऐसी बात तो बहुत दिक्कत हो जाती है भाषा की, ऐसी बात है। हमारा डिब्बा स्लीपर कुछ गया कि मेरा हम बैठे हैं, देखेंगे इतने दूर आएगी, थोड़ा डर भी लगता है ऐसी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि 7-8 आदमी हम हमारे गांव से है। बारिश वैसे अभी बंद है, लेकिन बहुत ही घने बादल छाए हुए है, जैसे कि कभी भी आ सकती है बारिश ऐसी बात, लेकिन जो आगे क्या होता है। दो-तीन वीडियो बनाने का इस ट्रैवलिंग का ट्रैवल का कोशिश रहेगी, दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। जय हिंद दोस्तों।